हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन स्टडी प्लेस, स्टडी फास्ट बी स्मार्ट। तो मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी श्री और आज हम लोग आपसे बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज इंग्लिश। घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही ट्रिकी वे में और बहुत ही शॉर्टकट मेथड में हम लोग एक बहुत बड़े चैप्टर को डील कर लेंगे। देखिए, जो आपको एग्जाम में स्कोर करने में भी मदद करे। लेकिन हाँ, देखिए इन छोटी छोटी बातों को भी मेजर करके चलना है, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात को स्किप कर जाते हैं। एकदम ध्यान से पढ़ना है चैप्टर को और बहुत ही ट्रिकी वे में। देखिए, तो आज का हमारा चैप्टर है, फर्स्ट हम बुक का नाम बता देते आपको, फ्लेमिंगो। जानते ही होंगे फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए, अपने नाम से ही ट्रिकी हो गया, फर्स्ट है और लास्ट भी है। देखिए, लास्ट नहीं, ये हमारा बिगनिंग है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर क्या है? द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो जॉर्डेट। एक खास बात, देखिए एक खास बात क्या है कि इतने लेंथी चैप्टर को, इतने बड़े से चैप्टर को हम लोग सिर्फ 20 to 22 lines में, 20 to 22 main bullet में हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। देखिए, द फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऑथर वॉज लेट फॉर स्कूल एज यूजुअल। पहला लाइन और पहला मेन टॉपिक क्या कि वो हमेशा ही लेट स्कूल जाता था। कौन? जो ऑथर था, अल्फोंसो जॉर्डेट। ठीक है, वो एक नटखट बच्चे की कहानी है जो स्कूल रोज लेट से जाता था। और सेकेंड पॉइंट देखिए, इससे ही कोरिलेट करते हैं। देखिए, आप लोग स्टोरी मेकर बन जाओगे, स्टोरी खुद से क्रिएट कर लोगे। एकदम बस इस पॉइंट्स को ध्यान देना, हो रहा सारे पॉइंट्स को नोट करते चले जाना। ठीक है, He had incomplete homework on participles and was in dread of getting scolded by M. Hamel as a teacher. ठीक है, M. Hamel कौन थे? टीचर थे। देखिए, किससे ही correlated है point? ये तो क्या था? वो as usual school लेट जाता था। अब देखिए, उसको next क्या था कि वो incomplete homework करके जा रहा था, किस पे? Participles पे जुड़ा था। Participles क्या हुई है पूछोगे? Participles उनका French language का grammar होता है, उसको हम बोलते हैं participles। तो वो उसमें homework मिला था जो उसने किया नहीं था, इस वजह से वो डांट खाने के डर से वो डरा डरा जा रहा था कि अब तो घुसूंगा और डांट पड़ेगी। अब देखो, किससे डांट पड़ेगी? तो एम हेमल टीचर से। टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? वो बहुत खड़ूस थे, बहुत ही पिटाई वटाई करने वाले थे, चेहरे पर हंसी नहीं दिखती थी उनकी। अब देखो, थर्ड, व्हेन ही रीच्ड स्कूल ही गॉट सरप्राइज एज स्कूल वॉज साइलेंट। अब देखो, वो स्कूल तक पहुंचता है, पहुंचते उसे एक सरप्राइजिंग वहां पे इन्वायरमेंट मिलता है। क्या? कि स्कूल ही पूरा साइलेंट था, रोज हल्ला हंगामा शोर शराबा होता था। आज वो घुसता है, देखता है कि स्कूल पूरा साइलेंट है। ठीक है, अनदर पॉइंट, ही वॉज वेलकम इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कॉल्ड। ठीक है, एक सरप्राइज तो यहाँ घट गई कि स्कूल साइलेंट था। अब देखिए दूसरा सरप्राइज, ध्यान से देखिए, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक घटना क्या? स्कूल साइलेंट। दूसरा घटना क्या? कि उसको डांटने के बजाय स्वागत करके घुसाया गया। क्या हो भैया, बैठ जाओ, तुम्हारे बिना ही हम लोग लेक्चर शुरू करने वाले थे। कौन बोलता है? एम हेमल। ठीक है, तो दूसरा सरप्राइज यहाँ हो गया। क्लास वॉज फुल, ओल्ड विलेजर वेयर सिटिंग एट द लास्ट बेंच। देखिए, अनदर सरप्राइज क्या हुआ? एक सरप्राइज यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। क्या होता है? घुसते है, देखते पूरा क्लासेस फुल है और यहाँ स्टूडेंट के साथ साथ लास्ट बेंच पे विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा सरप्राइज, लोग तो बच्चे नहीं आते थे सारे के सारे, आज विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, सारा का सारा सीट फुल है। तीन सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एम हेमल वॉज इन हिज स्पेशल आउटफिट एंड ही वॉज वेरी काम एंड सैड। अब देखिए, और एक सरप्राइज हो गया, खाली सरप्राइज ही सरप्राइज हो रहा है इस बच्चे के साथ। देखिए, इसके दिमाग कितना पजल्ड होगा, बट आप लोग पजल मत होइए, आप लोगों को पजल्ड होने के लिए कुछ भी छोड़े ही नहीं है वैसा। सिर्फ इस पॉइंट से आपको और दोबारा बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वीडियो एक बार देख लोगे ना, आप एग्जाम में वेल परफॉर्म कर लो, एकदम टेंशन नहीं लेने का। इस बच्चे को पजल्ड होने दीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए इसके पजल्स। देखिए क्या होता है, नेक्स्ट पजल, मिस्टर हेमल वाज इन हिज स्पेशल आउटफिट एंड ही वाज वेरी काम एंड सैड। जो बंदा खड़ूस था, हर वक्त मारने को दौड़ता था, आज वो एकदम शांत है और दुखी दिख रहा है। और तो और क्या, वो स्पेशल आउटफिट में आया हुआ है जो ओकेजनली पहना करता था इंस्पेक्शन वगैरह में। ठीक है, वो अपनी जालदार कमीज, हैट एंड ऑल, वो जितना भी उसके स्पेशल आउटफिट था उसमें आया जाया हुआ था। अब देखिए, He announced that French language has been replaced by German in the schools of Alsace and Lorraine. And today he will teach his last lesson. अब देखिए, एक और सरप्राइज हो गया। इस बंदे के साथ सिर्फ
सरप्राइज ही हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि एक तो देखते हो आज पूरा शांत है और दुखी है, और ऊपर से क्या अनाउंसमेंट करता है कि अब सारे फ्रेंच, जितने भी फ्रेंच स्कूल हैं, अब उसमें क्या होगा, जर्मन भाषा में पढ़ाई होगा। अब तो ये बहुत बड़ा झटका था, बोलते हैं ना जोर का झटका और जोरों से लग गया। तो सारे फ्रेंच, अभी मुश्किल से बेचारा फ्रेंच लैंग्वेज को अभी शुरू ही किया था, इतना ही बदमाश बच्चा था कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, शुरू ही किया था, बस सोचा था कि अब थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब पता चला कि वो पढ़ाई चेंज हो गया, पूरा का पूरा लैंग्वेज ही चेंज हो गया, अब जर्मन पढ़ाई होगा। खास तौर पे कहाँ पे, ये बर्लिन से ऑर्डर आया था भैया, ये छोटा मोटा ऑर्डर तो था नहीं। तो ये ऐसे कह, लॉरेंस के सारे स्कूलों में क्या होगा, जर्मन भाषा पढ़ाई होगा। और वो क्या बोले, आज हमारा क्या है, लास्ट लेशन। इसी वजह से आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो लास्ट लेशन के नाम से फेमस हो गया अभी। अब देखो, ही विल टीच हिज लास्ट लेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अदर ऑथर रिग्रेटेड हिज इनअटेंटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए अब क्या होता है, बोलते हैं ना आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कुछ इसके साथ भी हुआ। अब इतना सारा कांड करने के बाद, इतनी सारी बदमाशियां करने के बाद अभी से पछतावा हो रहा है। क्या पछतावा हो रहा है, कि भाई हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए रहते, अपने अपना फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ा पढ़ लिए रहते तो आज हमको इतना बुरा फील नहीं होता, अभी हम शुरू किए थे जाना तब तक पता चला मेरा भाषा बदल गया। अब उसे ये पछतावा होने लगी, क्यों हम अपना इस तरह का बुरा एटीट्यूड रखे थे, पढ़ाई से जी चुराते थे, मछली पकड़ने जाते थे, ये बाहर बहाने बहाने से खेलने जाया करता था ना, तो ये सब पछतावा हो रही है अभी से। तो अपने बुरे एटीट्यूड की वजह से वो अपने आप पे पछता रहा था, जो भी कि अब फ्रेंच लैंग्वेज तो अब रहा नहीं। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप लोग जल्दी से नोट्स कर लो। आइए हम लोग एक बार हाफ पार्ट को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हाफ पॉइंट को कवर करेंगे। जैसे कि बोले थे इस पॉइंट पर हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑथर वॉज लेट फॉर स्कूल एज यूजुअल। वो ऑथर लेट से जा रहा था, लेट से देखिए कैसे कोरिलेट करके हम लोग ट्रिकी वे में बनाते हैं। ये लेट स्कूल जा रहा था, स्कूल जाएगा कैसे, रास्ते में जाएगा, रास्ते में कुछ कुछ तो देखेगा ना। तो रास्ते में क्या दिख रहा था कि बहुत ही सुहावना मौसम था, बर्ड्स वेयर चर्पिंग, बर्ड्स चिड़िया चहचहा रही थी, पर्सन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखता, बहुत इन्वायरमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव था इसके लिए, सुहावना था पार्टिसिपल्स के रूल के अपेक्षा। ही हैड इनकम्प्लीट होमवर्क एंड पार्टिसिपल्स एंड ही इज ड्रेड ऑफ गेटिंग स्कॉल्ड बाय एम अहमद। अब देखिए वो रास्ते में जा रहा था, इतना सारा सुहावना मौसम था, देखता था और डर रहा था कि होमवर्क तो हम किए नहीं है, होमवर्क किए नहीं है, मुझे टीचर से डांट पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ सोचते सोचते जा रहा था, ये सब सोचते सोचते जा रहा था तो उसको रास्ते में और भी कुछ देखने को मिलता है, क्या कि टाउन हॉल, तो टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड में कुछ चिपका था, जहाँ की बहुत ही क्राउड था, बहुत ही भीड़ था। ये सब कुछ देखता है, देखता है भीड़ क्यों है वहाँ पे, इसके लिए सैडनेस वाली बात थी, क्यों, क्योंकि लास्ट टू ईयर से वहीं से भी सारा सैड न्यूज, सारा बैड न्यूज वहीं से आता था, तो इसे कुछ लगी वहाँ पे कुछ बुरा बात है। तो जब ये वे नहीं रहे स्कूल, लेकिन वो थॉट वहाँ पे सोचता नहीं है, खड़े होकर सोचता नहीं है, ये चलते जाते और चलते चलते सोचता है कि चलो क्या बात होता है पता चलेगा, ठीक है। बट जाते वक्त सोचते सोचते जाता ही रहता है बेचारा, लेकिन ब्लैक स्मिथ होते हैं, वॉचर होते हैं, इनको बोल देते तुम जाओ मत, इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो ये थोड़ा नर्वस हो जाता है कि लोग मुझे ताना मार रहे हैं, बट क्या कहते हैं, व्हेन ही रीच स्कूल ही गॉट सरप्राइज एज द स्कूल वाज साइलेंट। स्कूल जाता है, देखता है कि पूरा स्कूल साइलेंट है, क्यों, सब जगह मातम छाया हुआ है, जैसे ऐसे लगता है पूरा पूरा मातम छाया हुआ है। देखिए सब कोरिलेट एक दूसरे से, ही वाज वेलकम इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्क्वाडेड। वो अंदर जाता है, उसको डांट पड़ने की वजह वो देखता है कि उसको स्वागत हो रही है। क्लास वॉज फुल, ओल्ड विलेजर्स वर सिटिंग एट द लास्ट बेंच। वो फिर देखता है कि वो क्लास फुल है और ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। थिंक क्या था कि वो स्पेशल आउटफिट में थे। अब देखिए उसके बाद वो क्या कहते हैं, अनाउंस करते हैं कुछ स्पेशल न्यूज, जो कि बहुत ही बुरा न्यूज था उन लोगों के लिए, क्या कि जर्मन, अब तो जर्मन पढ़ाई होगा फ्रेंच की जगह, तो ये ऐसे कलोरिन के सारे स्कूल में अब जर्मन भाषा पढ़ाई होगा। तो ये एक बैड न्यूज जो बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था वो यहाँ पे खुल के आ गया। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या, ऑथर रिग्रेटेड हिज, इतने सारे वो कांड करने के बाद भी ये दुखी तो होगा ना कि हम स्कूल क्यों बंक मारते थे, क्यों लोग जाते थे मछलियों को पकड़ने के लिए, चिड़ियों का अंडा देखने के लिए, इतना स्कूल बंक मारते क्यों जाते थे, पढ़ाई कर लिए होते तो आज हमें इतना बुरा फील नहीं होता। तो ये सारा उसको बैड फीलिंग, उसको एहसास होता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पॉइंट, ही रेस्पेक्टेड हिज टीचर एम हेमंत बिकॉज हिज
40 ईयर्स सर्विस, ठीक है। तो ये रेस्पेक्ट करता था, उसके टीचर का रेस्पेक्ट करने लगा, क्यों, उसके 40 साल जितने वो लगन से मेहनत से उसको उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश किया, उस वजह से वो क्या कर रहा था, उसको बहुत ही रेस्पेक्ट करने लगा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरे इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते थे, जितने भी उन लोगों को समझाना होता था, सब कुछ वो 40 साल में बहुत ही मेहनत कर चुका था, ठीक है। एम हैमर क्वेश्चन फ्रेंच एंड पार्टिसिपल्स बट ही फेल। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इतने देर में जब वो सोचता होता है कि इतने 40 साल में इन्होंने बहुत मेहनत की, इस वजह से हम बहुत उनको आदर से निगाह से देखने लगा था, तो यही सब कुछ सोचता रहता है कि इस वजह से लोग अपने इस कंट्री के इस रिगार्ड में इस, उसके सम्मान में वो अपने आउटफिट को स्पेशल आउटफिट को पहन के आए हैं, ये सब कुछ सोचते होता है, तब तक से उसका नाम कॉल कर लिया जाता है और उससे अब अगला क्वेश्चन पूछ दिया गया होता है। अब क्या करता है, वो तो रिफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन बता नहीं पाता, फेल हो जाता है वो क्वेश्चन बताने में, अब उसको डर लगने लगती है, वो वहीं पर खड़े रह जाता है। एमएमएल क्वेश्चन फ्रेंच ऑन पार्टिसिपल्स बट ही फेल। देखिए दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, एमएमएल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड ऑथर्स पेरेंट्स इंस्टीड ऑफ ऑथर फॉर द ऑथर्स पुअर कंडीशन इन फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो फेल हो जाता है आंसर बताने में, वहां पे वो डर तो जाता है, खड़े हो जाता है, लेकिन एम हैमर उसको बजाय उसको डांटने के, उसको मारने के, उसे कुछ नहीं बोलते हैं और क्या करते हैं, अब वो सारा का सारा ब्लेम खुद पे ले लेते हैं और उसके पेरेंट्स को दे देते हैं। क्या? क्योंकि वो ये ऐसा बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दे देता था पौधों में पानी पटाने के लिए, मछलियां पकड़ने जाने के लिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोकस नहीं करने देते थे पढ़ाई पे, वो ज्यादा फोकस करते थे कि तुम कुछ अर्निंग के लिए कुछ काम करो, अर्निंग पर्पज से कोई काम करो, तो इस बात पे फोकस दे, ये सब वो बताया कि यही वजह से तुम्हारा क्या पुअर कंडीशन है पढ़ाई में, मीन्स वही बात होती है, गलती आप करो बिल फटती है, पेरेंट्स कभी भी वही होता है ना, कुछ स्कूल में गलती करो पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, बात वही। दे स्टडी चैप्टर, अब देखिए अब क्या हुआ, इतना सारा ब्लेमिंग वगैरह करने के बाद वो क्या बताते हैं उसको, चलो हम लोग चैप्टर मूव करते हैं, कुछ चैप्टर पढ़ाने चलते हैं। तो जब चैप्टर पढ़ाते होते हैं तो अब उसे ऐसा लगता है कि उसको जो अब जो कम्युनिकेशन था वो टू वे प्रोसेस से अब वो होना शुरू हुआ था। जो हमारे स्टडी का कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, हम लाख पढ़ना चाहें, अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, और लाख पढ़ना चाहो अगर एक टीचर अच्छा एक्सप्लेन नहीं करेगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जाएगा और आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो अब जो कम्युनिकेशन था, स्टडी कम्युनिकेशन था, वो टू वे प्रोसेस से चल रहा था, तो अब इसको ये लग रहा था चैप्टर पढ़ के अब हमें सब समझ आ रही है, ठीक है। एमएमएल गेव देम कॉपी प्रिंटेड विद फ्रेंच अल्सेट। अब देखिए कुछ रीडिंग चैप्टर्स करने के बाद अब वो क्या करते हैं, एक कॉपी सबको देते हैं जिसपे फ्रेंच अल्सेट लिखा हुआ था, ठीक है, वो उन लोगों को देते हैं रिटर्न वर्क के लिए। एमएमएल वाज सैड सो ऑथर ऑल्सो फेल्ट वेरी सैड फॉर हिम। बार बार वो बच्चा ऑथर वो उनके उनको देखता है बड़ा दुखी है सर, कुर्सी पे तो बैठे हुए बट सारी चीजों को इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से सबको घूर रहे हैं, जैसे वो एक ही नजर में सबको अपनी आंखों में बसा ले। तो इसके लिए इसके मन में और उनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ते जा रहा था कि वो कितना देश को मानते हैं, कितना सम्मान करते हैं, अब ये और उनका फैन होते चला जा रहा था और ये देख रहा था कि वो तो इतने दुखी है, उनको देख देख के ये भी दुखी हो गया था उनके रेस्पेक्ट में। दे स्टडीड ग्रामर, देन सम रिटेन बुक, रिटेन वर्क, हिस्ट्री एंड किड्स एंड बेबी बुक। देखिए तो क्या करते हैं, उन लोगों को कॉपी देते हैं, उन लोगों को कुछ ग्रामर पार्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रामर कराने के बाद आफ्टर ग्रामर वर्क कुछ लिखने के लिए भी देते हैं, जैसे आप लोगों को भी योर टीचर्स देते होंगे रिटेन वर्क। उसके बाद उन क्या करते हैं, कुछ हिस्ट्री चैप्टर्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाते हैं। आफ्टर डेट हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे थे वो भी अपना बा बेबी वो सब कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उनको इग्नोर करके अपना ड्राइंग बनाते रहते हैं, बा बेबी वो सब गाना उन्होंने अपना राइमिंग में बिजी रहते हैं। आफ्टर डेट ओल्ड हाउसर वाज क्राइंग व्हाइल रीडिंग चैप्टर। अब देखिए उनमें से जो हम लोग बोले थे ना, जो बूढ़े लोग पीछे बैठे थे उन लोग भी बहुत दुखी थे, अच्छा खासा अभी पढ़ाई भी हुआ नहीं था तब तक से, अभी बहुत दिन स्कूल भी नहीं गए थे तब तक से, वो क्या हो गया लैंग्वेज चेंज पूरा चेंज हो गया, अब तो उन लोग भी कुछ बोलना चाहते थे। उनमें से एक ओल्ड हॉर्सर खड़ा होता है, बेचारा बुरी तरीके से अपने चश्मे को पहनता है, किसी भी तरह कुछ पढ़ना चाहता है बट वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलते ना कुछ, उसको फीलिंग ऐसा होने लगा था कि अब वो रो दे अपने कंट्री के लिए, अपने टीचर्स के लिए जो भी थे, ठीक है, तो उनके रेस्पेक्ट में उसे भी बुरा फील हो रहा था कि अब हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे।
तब वो कुछ बोलना तो चाहता था पर वो लड़खड़ा रहा था। एम हैमर वॉन्टेड टू से समथिंग बट ही कुड नॉट। अब देखिए वो भी लड़खड़ा रहा था, एम हैमर भी कुछ बोलना चाहते थे पर वो भी नहीं बोल पा रहे थे। और ये सब देख के बड़ा उस बच्चे के मन में लड्डू फूट रहा था कि अब कब तो हंस पड़े बेचारा, वो ओल्ड हसर बोल भी नहीं पा रहा है ढंग से। बट वो अपने सारे इमोशन को, सारे फीलिंग्स को, सारे एंजॉयमेंट फीलिंग्स को कंट्रोल करके दबा के बेचारा सुन रहा होता है कि नहीं अभी हम सब कुछ सुने, सब कुछ पढ़े, अभी हंसना नहीं है। एकदम सारे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। एम हैमर भी कुछ बोलना चाहते थे पर वो भी नहीं बोल पा रहे थे। उनके भी मन में ऐसा कुछ लग रहा था कि अब मेरे पास कुछ शब्द बचा ही नहीं बोलने को, सब इतनी जल्दी इतने झटके से खत्म हो गया। इसीलिए वो हमेशा बोलते थे, उसको डांटते वक्त भी उन्होंने क्या बोला था कुछ याद है? उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। अरे हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, कल किसी ने नहीं देखा है। इसी वजह से उन्होंने उसको ये सुनाया कि अगर तुम लोग टाइम पे पढ़ लिए होते, मछली पकड़ने के बजाय पढ़ाई किए होते तो आज हमें इतना बुरा फील नहीं होता, हम लोग अपने जान गए होते। क्यों? क्योंकि जब एक कोई भी कंट्री जब दूसरे को दूसरे के ऊपर मतलब जो कंट्री अधीन करता है तो क्या होता है उस टाइम, क्या होता है कि आपका लैंग्वेज के ऊपर पूरा कमांड रहता है तो आप उसके अंडर में पूरे नहीं हो गए, आपको एक जेल का चाबी की तरह वो काम करेगा। ठीक है, तो ये बात बोलते हैं। ही जस्ट रोट ऑन द ब्लैकबोर्ड विवा ला फ्रांस द स्कूल गॉट ओवर। ठीक है, उनके ये कहने का मतलब क्या था? ही जस्ट रोट ऑन द ब्लैकबोर्ड विवा ला फ्रांस द स्कूल गॉट ओवर। वो तो कुछ अपने शब्दों में बोल नहीं पाए, इस वजह से वो क्या लिख दिए, बड़े जितने बड़े बड़े अक्षर में लिख सकते थे वहां पे वो लिख दिए विवा ला फ्रांस। इसका मतलब क्या था? फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं।